हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे यदि डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इसे कैसे हम इन डायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक पर मैंने जो पहला वीडियो बनाया था कि डायरेक्ट नरेशन को कैसे इन डायरेक्ट नरेशन में चेंज करें, जिसका कि लिंक मैंने आई बटन पे दिया है, उस वीडियो को आप जरूर वॉच कर लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको टोटली बताया हुआ है सारे जनरल नियम्स जो कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आपको हमेशा ये रिक्वायरमेंट होता है। उस वीडियो में मैंने बताया कि किस तरह से हम लोग डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं, किस तरह से टेंस चेंज करते हैं, किस समय समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को चेंज करते हैं, सारे जो भी जनरल रूल्स थे मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो उस वीडियो को पहले आप जरूर वॉच कीजिएगा, मैंने आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, उसके बाद यह वीडियो आप वॉच करेंगे तो आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीख लेते हैं कि यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इसे कैसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो कैसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करें। तो इसी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? अ सेंटेंस दैट मेक्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात एक ऐसा वाक्य जो एक प्रश्न का निर्माण करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब यह जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है यह दो प्रकार का होता है, अर्थात प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। एक प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं और दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस या नो टाइप और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला जो है वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है जिसका कि उत्तर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, यस या नो में इसका उत्तर हम लोग दे सकते हैं। और जो दूसरा होता है वह डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, यानी कि जो कि डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा, जिसका कि उत्तर हम लोग यस या फिर नो में नहीं दे सकते हैं, इसका उत्तर यस या नो में हम नहीं दे सकते हैं। जैसे आर यू अ प्लेयर, क्या तुम एक खिलाड़ी हो, देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसका उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं। अब जबकि अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस इस डब्ल्यू एच वर्ड के लिए, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो इसका उत्तर आप देखेंगे तुम कैसे हो कोई भी हाँ या ना में नहीं देगा, बल्कि कुछ बोलेगा, कुछ वर्णन करके बताएगा। तो इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका कि उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड से जिसका कि उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है। अब हम लोग जानेंगे यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो कैसे इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, आपको यह याद रखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब स्पेशली रिपोर्टिंग वर्ब सेट या सेट टू को ही कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेट या तो सेट टू को, सेट या सेट टू को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, आस्क्ड में, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने का भाव होता है इसलिए आस्क्ड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेट या सेट टू आएगा इसको किस में चेंज करना है, आस्क्ड में चेंज करते हैं, आस्क्ड में चेंज करते हैं, यह चीज आप माइंड रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यदि देखिए रूल नंबर सेकेंड यानी अगर आपका ये जो डायरेक्ट नरेशन रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट नरेशन में आपको रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर दिखाई दे,
किससे स्टार्ट होने वाला, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखाई दे डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में, तो आप इनडायरेक्ट जब बनाने जाएंगे, जब आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाने जाएंगे तो आपको करना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आपको एक कंजक्शन लिखना है। वह कंजक्शन आपका इफ हो सकता है, वेदर हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक आपको कंजक्शन लिखना होगा। इफ लिख सकते हैं या वेदर लिख सकते हैं। और शेष वाक्य को असर्टिव बनाना होता है। असर्टिव सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि आपका सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा और डॉट 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 फुल स्टॉप से क्या होगा, समाप्त होगा। असर्टिव सेंटेंस के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है आपको। इसके बाद देखते हैं रूल नंबर जो थर्ड है उसको। तो देखिए, यदि आपके डायरेक्ट नरेशन, यदि आपका जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वह डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो जैसे ही आप इसे इनडायरेक्ट में बनाने जाएंगे, जैसे ही आप इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे, तो आपको करना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब लिखने के बाद आपको इसी डब्ल्यू एच वर्ड, इसी यानी डब्ल्यू एच वर्ड को ही आपको क्या कर देना है, कंजक्शन बना देना है। इस डब्ल्यू एच वर्ड को ही कंजक्शन बनाना है और शेष वाक्य को कर देना है असर्टिव। असर्टिव का मतलब यह हुआ कि सब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे और डॉट डॉट क्वेश्चन फुल स्टॉप से क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। तो यह बात हो गया कि किस तरह से आपको चेंज करना होगा। इसे अच्छी तरह से मैं आपको एग्जांपल की सहायता से भी स्पष्ट कराऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी हैं उनको हम बाद में देखते हैं। चलिए इसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं इन्हीं पर आधारित। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, माई मदर सेड टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो। तो यह हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको हम लोग चेंज करते हैं किसमें, इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो देख सकते हैं सेट टू है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेट टू को किसमें, आस्क्ड में चेंज करेंगे। मैंने यहाँ पर देखिए आपको बताया हुआ है सेट टू को किसमें, आस्क्ड में चेंज करेंगे। तो माई मदर आस्क्ड मी, मेरी माँ ने मुझसे पूछा। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमको कंजक्शन इफ या वेदर, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब कंजक्शन इफ या वेदर, तो यहाँ पर इफ मैं लिख देता हूँ, वेदर भी आप लिख सकते हैं इफ। इसके बाद शेष वाक्य को क्या करना है, असर्टिव बनाना है। असर्टिव का मतलब कर्ता से प्रारंभ होगा, सब्जेक्ट से प्रारंभ होगा, तो यू को बदलना है हमको मी के अनुसार, तो मी का जो सब्जेक्ट है वह आई हो जाएगा, आई। इसके बाद टेंस चेंज करते हैं, तो यह सब मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो उससे आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। आई वॉज गोइंग टू स्कूल दैट डे। तो यह इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में देखिए चेंज हो गया। देखिए सब्जेक्ट से प्रारंभ किया गया और फुल स्टॉप से समाप्त किया गया, तो यह आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। शेष वाक्य को असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, इस तरह से मैंने आपको बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल देखते हैं इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए। तो जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूँ। एक एग्जाम्पल और इसका देख लेते हैं। रोहन सेड टू मी, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो आया हुआ वाक्य है वह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से हम लोग कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे और सेट टू को आस्क्ड में, तो हो जाएगा रोहन आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ या वेदर, तो फिलहाल मैं चलिए इफ ही लिख देता हूँ, आप चाहो तो वेदर भी लिख सकते हो। इफ यू को, अब देखिए शेष वाक्य को असर्टिव बनाना है यानी कर्ता से प्रारंभ करना है। यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार, तो आई, टेंस चेंज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, आई हैड डन, योर को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो इसका जो पजेसी होगा माई,
माई वर्क। तो यह इस तरह से आपका आसानी से इनडायरेक्ट नरेशन भी क्या हो गया, चेंज हो गया। और लास्ट में फुल स्टॉप, यानी असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो फुल स्टॉप लास्ट में होता है। तो यह तो हो गया रूल नंबर फर्स्ट और सेकेंड, दोनों को मिलाकर किस तरह से मैंने यूज किया आप समझ गए हैं। चलिए अब और भी एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा जो जो मैंने तीसरा नियम बताया है इसको देखते हैं। पहला नियम तो हमेशा ही आएगा आपका। अब देखिए, जब यदि वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ हो तो कैसे चेंज करेंगे, तो एग्जाम्पल लिखते हैं। द टीचर सेड, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टू द स्टूडेंट, वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट इन द क्लास, वाई आर यू लेट इन द क्लास। तो देख सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड अर्थात इंट्रोगेटिव वर्ड से प्रारंभ होने वाला यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी इंट्रोगेटिव वर्ड को कंजक्शन बनाएंगे और शेष वाक्य को असर्टिव में चेंज करते हैं। तो इसको इनडायरेक्ट में हम लोग ऐसे चेंज करते हैं, द टीचर सेड टू को आस्क मीन द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, आस्क द स्टूडेंट, कंजक्शन इसी को बनाएंगे वाई, इसी इंट्रोगेटिव वर्ड को कंजक्शन बनाएंगे और शेष वाक्य को असर्टिव बनाएंगे। तो वाई, अब देखिए शेष वाक्य को असर्टिव बनाना है तो नहीं कर्ता से प्रारंभ करना होगा। वाई यू को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स के अनुसार तो ही हो जाएगा वाई ही। अब टेंस से देखिए चेंज करना, प्रेजेंट टेंस है यानी कि जब मार का प्रयोग है तो इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे ही, वाई ही वाज लेट इन द क्लास, वाई ही वाज लेट इन द क्लास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यह सारी चीज़ें कैसे चेंज होता है मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया है, उसको वॉच करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरह से यह सब चेंज हो रहा है। एक एग्जांपल मैं इस टॉपिक इस रूल पर और दे देता हूँ आपको। पहला वाला वीडियो वॉच करेंगे तो ही आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूँ। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। आई सेड टू हिम, व्हाई डू यू डिस्टर्ब मी। तो आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा व्हाई डू यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे परेशान क्यों करते हो। तो इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हो जाएगा आई सेड टू को चेंज किस में करेंगे, आस्क में, आई आस्क्ड हिम। अब देख सकते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट है तो इसी इंट्रोगेटिव वर्ड को हम कंजक्शन बनाते हैं वाई, और इसके बाद शेष वाक्य को असर्टिव बनाना है, कर्ता से प्रारंभ करना है। तो यू को चेंज करेंगे हिम के अनुसार तो हो जाएगा क्या, ही, वाई ही। अब देखिए अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म आएगा, वाई ही डिस्टर्ब्ड। अब मी को चेंज करेंगे आई के अनुसार तो मी ही, आपका मी ही रहेगा। लास्ट में आपका फुल स्टॉप, तो आई आस्क्ड हिम वाई ही डिस्टर्ब्ड मी, यानी मैंने उससे कहा वाई डू यू डिस्टर्ब मी, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, मैंने उससे पूछा कि वह मुझे क्यों परेशान करता था। तो इस तरह से आपका बन गया। चलिए इसके आगे और भी हम लोग जानते हैं, कुछ और भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं तो उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। देखिए यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में, जो डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वह हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो और उसी डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में, यानी डायरेक्ट नरेशन में इसका उत्तर भी यस या नो में दिया जाए तो कैसे इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, अच्छी तरह एग्जाम्पल की सहायता से बताते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर एक डायरेक्ट नरेशन का मैं एग्जांपल लिखता हूँ, रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा विल यू प्ले
क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलोगे? तो यह देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इसके बाद आई सेड, इसका उत्तर भी दिया गया आई सेड यस, मैंने उत्तर दिया हाँ। तो देख सकते हैं इसमें यस में उत्तर दे दिया गया है। तो जब हम लोग इंट्रोगेटिव इस डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने जाएंगे, तो ये जो हमारा यस आया है आई सेड यस, मैंने कहा हाँ, तो हमको इसे चेंज करना होगा, यस को चेंज करना होगा रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव यानी सकारात्मक में उत्तर दिया। अगर नो आ जाता है, यस के लिए यह था, यह तो मैंने बताया यस के लिए, अगर नो आ जाए तो आपको चेंज करना होगा रिप्लाइड इन द निगेटिव, यानी मैं नकारात्मक में उत्तर दिया। तो इसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो लिखना होगा रवि आस्क्ड मी, रवि आस्क्ड मी, आपका कंजक्शन आ जाएगा इफ या वेदर, तो इफ मैं लिखता हूँ, इफ यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो आई, आई के अनुसार आपका क्या जाएगा सुड, वुड नहीं आएगा सुड आएगा, ठीक है, मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हुआ है, आई सुड प्ले क्रिकेट, आई शुड प्ले क्रिकेट। इसके बाद आई सेड यस, मैंने कहा हाँ, तो इसका मतलब है हमको चेंज कर देना यस वाले पोर्शन को रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, तो आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। इस तरह से आपको इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर देना है। अगर नो आ जाए तो रिप्लाइड इन द निगेटिव में आपको क्या करना होगा, इसको लिखना होगा, जैसे यहीं पर जहाँ पर यस था यहीं पर मैं लिख देता हूँ नो, ठीक है, जैसे रवि सेड टू मी विल यू प्ले क्रिकेट, आई सेड नो, तो यह हो जाएगा रवि आस्क्ड मी इफ आई, आई शुड प्ले क्रिकेट, आई रिप्लाइड इन द, बस यहीं अफर्मेटिव की जगह क्या हो जाएगा निगेटिव, आई रिप्लाइड इन द निगेटिव, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस तरह से करोगे, आसान है, तो इसी को आप माइंड कर लें तो बेटर है। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। एक नियम और है, उसको भी जान लेते हैं। यदि डायरेक्ट नरेशन की रिपोर्टेड स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जिसमें विकल्प का भाव हो, किसका भाव हो, विकल्प का भाव हो, तो कंजक्शन इफ की जगह वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है, यानी कि इफ की बजाय अगर आप वेदर का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। मैं आपको अच्छी तरह से एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा, अगर उसमें विकल्प का भाव हो, अर्थात उसमें और शब्द का प्रयोग हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन इफ की बजाय वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है। जैसे रवि सेड टू मी विल यू प्ले क्रिकेट और नॉट, Will you play cricket or not? क्या तुम क्रिकेट खेलोगे अथवा नहीं, तो विकल्प का भाव है, और देख सकते हैं यहाँ पर आया हुआ है विकल्प का भाव है। तो ऐसी स्थिति में वेदर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में अच्छा माना जाता है। तो इसे जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो आपको लिखना होगा रवि आस्क्ड मी, कंजक्शन देखिए अब वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है, इसलिए आप विकल्प का भाव दिखाई दे तो वेदर कंजक्शन का प्रयोग कीजिए। वेदर यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो आई, आई के अनुसार आपका वुड नहीं आएगा बल्कि सुड आएगा, क्योंकि सैर को फॉलो करता है। तो रवि आस्क्ड मी वेदर आई शुड प्ले क्रिकेट और नॉट, ठीक है। तो यह इस तरह से आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। तो याद रखिएगा जब भी आपको ऑप्शन का भाव दिखाई दे उसमें आपका वेदर कंजक्शन का प्रयोग अच्छा माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से यदि डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य आ जाए तो कैसे हम इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।